सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अध्यात्मा सबसे पहले ध्यान रखना है कि छठ और सप्तमी सम्मिलित होने से, अगले रविवार को सम्मिलित होने से सप्त परम स्थान व्रत कल से ही प्रारंभ हो रहा है। कल है श्रावण कृष्णा अमावस्या, एक दिन पहले से ही लक्षण अष्टानिक और सप्त परम स्थान आदि व्रत अगर एक तिथि बीच में घटे तो एक दिन पहले से प्रारंभ किए जाते हैं। ये व्रत तिथि निर्णय का नियम है। तो कल से ही सप्त परम स्थान व्रत शुरू हो जाएंगे। जिन जिन को सप्त परम स्थान व्रत करना है वो इसकी विधि समझ ले और करें। इसकी विधि में तो एक वस्तु लेने का विधान है, कोई एक धान्य एक फल एक रस आदि लेते हैं जैसा भी है, और शक्ति नहीं है, सामान्य रूप से एकासन करके भी व्रत कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ये सप्त परम स्थान व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और महिमापूर्ण अनादिनिधान व्रत है, ये विशेष ही महत्वपूर्ण। अब हम आपको मंत्रों की ओर ले चलेंगे। पहले बोलेंगे आप ओम ह्रीम श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीम शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीम शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अक्षय तृतीया व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सबदेवाय नमः, ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सबदेवाय नमः। पुनः ये रविवार व्रत करने वालों के लिए तीसरा रविवार है, वो तृतीय रविवार व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनः मनोकामना सिद्धि का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। कालसर्प दोष निवारक मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम श्री ओम ह्रीम कमठोपसर्ग विजयिने, ओम ह्रीम कमठोपसर्ग विजयिने श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः, श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। काल सर्प दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, काल सर्प दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अब आप जो जल मंत्रित करना है उसकी ओर चलेंगे। जल मंत्रित करना है तो पहले जल मंत्रित का मंत्र मैं बोलूंगी, आप जल मंत्रित करें, पुनः सरसों मंत्रित करने का मंत्र बोलूंगी। ध्यान दीजिएगा, जल में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली डालें, पूज्य माता जी मंत्र बोल रही हैं, और उसके बाद सरसों मंत्रित करने का बोलेंगी, तब बाएँ हाथ की पाँचों उंगलियाँ उसमें डाल करके थोड़ा सा सरसों को चलाते रहना। ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो खेलो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो खेलो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो विपो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो विपो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो सबो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो सबो सही पत्ताणम। वैश्विक अस्माकं सर्वेषां अस्माकं सर्वेषां वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु, वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसत् स्वाहा, आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसत् स्वाहा। ये जल मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप सरसों मंत्रित करेंगे ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ये मनोकामना सिद्धि विधान आपके सबके मनोरथों को सफल करे एवं काल सर्प रोग विधान काल सर्प हर दोष विधान पार्श्वनाथ स्वामी का मन ध्यान में होगा, वो सबके काल सर्प दोष को निवारण करने वाला है। और इसके साथ पुनः इस मंत्र से मंत्रित जल से आप सभी रोगों से बचे रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। इसके साथ ये सरसों जो मंत्रित है, इस सरसों को आप
घर में सर्वत्र क्षेपण करें, घर के बाहर भी चारों तरफ में क्षेपण करें डालें। ये किसी भी प्रकार से आपके घर में कोई रोग शोक आदि का प्रकोप नहीं होगा। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज मांगलिक अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये रविवार व्रत भी आप सबके लिए मंगलकारी हो। और साथ ही फिर ध्यान रखें, कल से ही सप्त परम स्थान व्रत शुरू हो रहा है, उसका मंत्र भी हम बुलवाएंगे, आप लोग बोलेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद सभी लोग।